हाय हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस रनर। मैं आपका कमल। आज का टॉपिक है गाइज कि जो हमारा सिंग पेन होता है क्यों होता है, रनिंग के टाइम में जो दौड़ते हमारा ज़्यादा पेन होता है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं दौड़ेंगे, बंद कर दो, आज से रनिंग नहीं करेंगे, ये किसके लिए होता है, ये हमको ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी कारणों से होता है ये। पहला कारण ये होता है कि हम जब रनिंग करते हैं वार्म अप नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते, तो हमारा सिंग पेन तो होगा ही ना, तो पैर में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, हर जगह में दर्द होगा। तो जब भी रनिंग स्टार्टिंग करते हैं तो वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़त्म होने के बाद कूल डाउन करना है, स्ट्रेचिंग करना है, बस ये जानना है। और सेकेंड पॉइंट आता है कौन सा जूता पहनते हैं और कौन किधर दौड़ते हो, ग्राउंड में दौड़ते हैं, मिट्टी में या सड़क में, पिच जैसे रोड में दौड़ते हैं, ये भी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर आप ग्राउंड में दौड़ेंगे तो क्या होता है, ग्राउंड में अलग रहता है, स्पॉन्ज की तरह रहता है वो मिट्टी। रोड में दौड़ेंगे तो ज़्यादा प्रेशर आता है हड्डी में, तो हड्डी को ज़्यादा ये रहता है, जैसे घिसने के, जैसा घोड़े देखा है आपने जैसे दौड़ता है उसका पैर घिसता है, इसी तरह ही आप जैसे दौड़ेंगे रोड पे वो पावर ख़त्म होते जाएगा, सीन ज़्यादा पेन होता है। जूता का भी बहुत ज़्यादा भूमिका है, जूता आप कौन सा पहनते हैं ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड पॉइंट में आता है अगर आप मोटे हो, ज़्यादा वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होने से भी दर्द होता है। आप ये सोचेंगे कि यार मेरा वेट तो कम नहीं है, ऐसा नहीं है, वेट का हो ज़्यादा होने से भी दर्द होता है, इसलिए आपको वेट धीरे धीरे कम करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको ज़्यादा बढ़ाना है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लड़के नया नया जो स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा रनिंग करते हैं जी पूरा भागते जोर रनिंग, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर आप बिगनर हो, रनिंग स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ पहले ध्यान देना है कि रनिंग में कभी भी ये स्टार्टिंग में स्पीड नहीं मारना है, कि ऐसा दौड़ना नहीं है कि काल को नहीं आ सकते दौड़ने के लिए, ये चीज़ गलती कभी मत करना। और चौथा गलती ये करते हैं कि जब भी आप रनिंग करते हो, जब नए नए रनिंग करते हो, आपको क्या लगता है आप एक महीने एक पंद्रह दिन में आपका रनिंग हो जाएगा, पैर दुखेगा नहीं, बहुत ज़्यादा दुखेगा। इसका कारण है कि अगर आप रनिंग करते हो, क्योंकि आपका पेस टंग नहीं हुआ है ना, अगर मैं मेरा बात बोलूँ, मैं 50-60 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं आदत हो गया, मैं हबी है मेरा, क्योंकि मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, रोज़ मैं इसके लिए टाइम देता हूँ, निकालता हूँ, इसीलिए आप इसके लिए आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो शुरुआत में तो दर्द होगा ना एक महीने तक, उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे करते जाओगे वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखो सिंग पेन का दो कारण होता है, एक हड्डी का अंदर होता है जो रोज़ आपको चलने में दर्द होगा, और ब्लड जैसा पूरा जाम हो जाएगा, वो ऐसे गोला बन जाएगा, तो आप ये समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो आप ऐसा कुछ होता है, दर्द ज़्यादा होता है, तो आप सबसे बढ़िया आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। रेस्ट करने से क्या है, जो ब्लड सर्कुलेशन जाम होता है तो फ्री हो जाएगा, अच्छा रहेगा आपको, नहीं तो आप नहीं दौड़ पाओगे ज़्यादा दिन, ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा दिन तक, वो ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मालूम है जो हमारा जो सिंग पेन होता है किसके लिए होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण किसी को मालूम नहीं, मैं बताता हूँ इसका कारण होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा तो पेन कभी नहीं होगा हमारा पैर। जब भी हमारा हार्ट रुक जाता है तो हम मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं। जैसे हमारा शरीर है, अगर हमारा शरीर को एक जगह पे ब्लड सही तरीके से नहीं जाएगा, जाता है लेकिन हम जब रनिंग करते हैं हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट होने के बाद तो हमको ब्लड उसी तरह भी जाना चाहिए, आना चाहिए, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो कम होने के बाद वो पैर दुखने लगता है, यही होता है कारण, नहीं तो और कुछ नहीं। ये चीज़ को हमको ज़रूर जानना चाहिए। अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हड्डी में दर्द होता है उसको आप डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो मेजर होता है। अगर आपको रोज़ दर्द होने लगे, दर्द बहुत ज़्यादा, आप सब कुछ कर लिया फिर भी आपको दर्द हो रहा है, तो आपको रेस्ट करना चाहिए 15 दिन, उसके बाद डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या इलाज है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप सबसे बढ़िया कि एक बर्फ़ लो, बर्फ़ रोज़ घिसने लगो 2 बार या तो 3 बार दिन में, तो जहाँ पे पेन हो रहा है उस पे घसो, उसमें क्या होगा आपका जो जाम हुआ होगा ब्लड वो धीरे धीरे नॉर्मल होगा, अच्छा होगा, हमारा जो नशा हो फ्री हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, वही चीज़ करो। और जो रनिंग करने में पेन होता है, ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर रनिंग करते हो आपको पेन होता है तो ये चीज़ आप ध्यान दे लो कि आप सही से वार्म अप नहीं करते हो, स्ट्रेचिंग नहीं करते हो, तो आपका दर्द ही होगा ही ना, तो ये चीज़ आप नहीं करोगे तो आपका हमेशा दर्द होगा,
इसीलिए आपको जब भी रनिंग स्टार्टिंग करते हो आपको बढ़िया से वार्म अप करना है। ठंडी का टाइम में आपको पूरा ट्रैक सूट पहनना है, पूरा जैकेट वैकेट पहन के कैप पहन के पूरा दौड़ना है। जब तक शरीर में गर्म नहीं होगा, पसीना नहीं आएगा, तब तक खोलना ही नहीं उस ट्रैक सूट को। तब तक दौड़ना है, तब तक उसके बाद खोलना है, उसके बाद रनिंग करना है, क्योंकि नहीं तो बॉडी कोल्ड हो जाएगा तो कुछ इंजरी फंजरी हो जाएगा, सीन ज़्यादा पेन होता है। ठंडी का टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम जरूर ध्यान देना चाहिए, ठंडी में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सीन पेन ठीक कैसे करें? ठीक करने के लिए पहला क्या है, अब अगर स्टार्टिंग बिगनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो पहले, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको रेगुलर करना है। अगर आप 10 दिन कर रहे हो छोड़ रहे हो, 5 दिन कर रहे हो फिर छोड़ रहे हो, ये ऐसे करने से फिर तो ज़्यादा दर्द होगा। अगर ज़्यादा दर्द होता है तो आपको बर्फ़ लेना है तो उसमें घिसना है, तो धीरे 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 वो नशा जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपको दौड़ने में मजा आएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, आप उसी में ही दौड़ने लगोगे, ज़्यादा दर्द होगा तो आप फिर क्या बोलोगे, यार मैं नहीं दौड़ सकता, मेरा ज़्यादा पेन हो रहा है। ये गलती है ना, अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप रेस्ट करो, कम से कम 10 दिन नहीं तो 15 दिन रेस्ट करो। ये करने से क्या है, आपका नशा फ्री हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा दौड़ने में, अब कूल लगेगा आपका पैर, मज़ा आएगा। सिंग पेन जो होता है ज़्यादा करके यहाँ होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ, यहाँ यहाँ होता है। अगर इधर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो ठीक हो जाएगा। अगर ये हड्डी में हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये हड्डी में होगा तो आप वार्म अप नहीं कर रहे हो, आपका हड्डी में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। कि हम इसको सही से समझना चाहिए, एक्चुअली क्यों दर्द हो रहा है मेरा। अगर बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पंजे में दौड़ने शुरू कर देते हैं, टो पे। अगर टो पे दौड़ोगे तो अगर प्रैक्टिस नहीं है आपका, वो तो दर्द होगा ही, मेन पॉइंट वो है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो हमें कभी नहीं दौड़ना है स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में आप रनिंग शुरू करते हो तो धीरे 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 धीरे, जब तक आपका स्ट्रांग नहीं हुआ है, इतना नहीं लग रहा है आपको मैं नहीं दौड़ सकता, तो आपको जब तक लग रहा है कि मैं दौड़ सकता हूँ तो दौड़ो, नहीं तो पूरा टो में मत दौड़ना, ये दर्द होता है काफ़। ज़्यादा दर्द होगा तो नहीं दौड़ पाओगे, ये गलती बहुत सारे लड़के करते हैं, ये चीज़ गलती मत करना। पहले रनिंग में ज़्यादा करके हमारा जो पेन होता है, हमारा कैल्शियम की वजह से पेन होता है। अगर आपका अंदर ज़्यादा कैल्शियम कम है, देखो दौड़ने के बाद जो हड्डी में से कैल्शियम कम होता है, तो कैल्शियम कम होने से क्या, दौड़ नहीं सकते, ज़्यादा पेन होगा, घुटना से लेकर पूरा हर जगह पेन होगा। तो सबसे बढ़िया आपको एक एक गोली कैल्शियम नहीं तो मल्टीविटामिन ये लेना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा दर्द हो रहा है तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं लेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ आदत नहीं बनाना है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये चीज़ लेना पड़ेगा। मल्टीविटामिन ज़रूरी है और कैल्शियम भी ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान देना है। और रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना है। देखो अगर आपका सिम पेन हो रहा है तो उसी एक्सरसाइज रोज़ नहीं करना है, कुछ नया नया बदलते रहना है एक्सरसाइज को। तो नया नया बदलने से क्या है, वो जो जिधर पेन हो रहा है तो वो जगह पेन नहीं होगा, दूसरा फ्री हो जाएगा वो जगह। अगर वही जगह को रोज़ ट्रेन करने लगेंगे, रोज़ करेंगे, तो वो तो दर्द होगा ही ना। रनिंग करने का मतलब नहीं, रनिंग तो वो पेड़ तो चलता ही है, रनिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज को रोज़, एक आज 10 एक्सरसाइज अलग किया, कल कुछ अलग किया, ऐसे कुछ करना है। नहीं तो एक ही एक्सरसाइज को रोज़ करेंगे तो एक ही जगह ट्रेंड होगा ना, आज शोल्डर किया, आज चेस्ट किया, कल लेग करना है, कल ट्राइसेप करना है, कल बाइसेप करना है, ऐसे ही एक्सरसाइज करना है। देखो स्ट्रेंथ और स्टैमिना, एंडुरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मैं बार बार यही चीज़ हमेशा आपको कहता हूँ कि ये चीज़ आपका अंदर आ गया तो रनिंग क्या कोई चीज़ में आप पूरा सक्सेसफुल बन सकते हो, आपको एक्सीलेंट हो सकते हो। ये चार चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम लोग इसका इलाज बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हो आप घर पे। अगर रात के टाइम में आपको क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है और एक लहसुन लेना है, उसको क्या करना है, एक छोटा सा ये लेना है, बॉयल लेना है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है और मस्ट जो लहसुन को छील के उसमें थोड़ा कूट के उसमें डालना है। ये घरेलू उपाय है, देसी उपाय है, ये बहुत अच्छा काम करता है, आपको नहीं मालूम। उसको बढ़िया से बॉयल करना है, पूरा गर्म करके लहसुन से पूरा रस निकलना चाहिए, उसके बाद उसमें घिसना है, रोज़ मालिश करना है उसको, एक दिन का नहीं, रोज़। अगर आप पैसा इस मतलब एफर्ट नहीं कर पा रहे, आप ज़्यादा पैसा नहीं लगा पा रहे, खर्चा हो रहा है, तो ये चीज़ करो, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि इसमें मैं भी खुद किया हूँ, मेरे को भी इलाज मिला है, आपको भी मिलेगा, आप ट्राई करोगे। एक दिन का नहीं करना है, रोज़ रोज़
करना है, थोड़ा थोड़ा मालिश करना है। ये करने से क्या है, थोड़ा इलाज मिलता है उसमें से, और ज़्यादा हो रहा है तो बर्फ घिसो उसमें, और भी अच्छा होगा। शूज अच्छा चेंज करो, ये भी अच्छा होगा। और डाइट भी अच्छा लो, डाइट में आप जैसे आप सुबह में कुछ भी जैसे चना आया, मूंग आया, बादाम, ये सब रात में भिगो दो, सुबह खाओ। और ब्रेकफास्ट में अच्छा चीज़ खाओ, ओट्स हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये चीज़ खाओ। लंच में अच्छा चीज़ खाओ। ये चीज़ देखो, हम डाइट के हिसाब से ही हमारा कुछ नहीं होगा। अगर डाइट अच्छा रहेगा तो हमारा जो सिन पेन होता है ये भी कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा डाइट के हिसाब से। और देखो एक चीज़ क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारा जो भी जगह पेन होता है हमारा नज़र उधर ही रहता है। मेरा कहने का मतलब है, मेरा अगर ये गला दुख रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, तो मेरा नज़र इधर ही रहेगा। यार दिन भर इधर पेन हो रहा है, मैं ऐसे पकड़ के घूमता रहूँगा, इधर नज़र रहेगा तो हमेशा पेन होगा ना। अगर पेन हो रहा है तो आप देखो, पेन मेरा भी होता था, ऐसा नहीं कि मैं भी ऐसे आ गया नहीं होता है, मेरा भी होता था पहले स्टार्टिंग में, अभी नहीं होता है, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने उसका इलाज किया और कंटिन्यू किया रनिंग कभी बंद नहीं किया, तभी वो इलाज ख़त्म हो गया। आप अगर रनिंग करते हो, अगर रनिंग बीच में छोड़ देते हो, अरे मज़ा नहीं आ रहा है, टाइमिंग कम नहीं हो रहा, इसी वजह से अब छोड़ देते हो, तो आपका दर्द होगा फिर दोबारा, घुटना भी पेन होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखो। और दूसरा क्या है, हमेशा फ्री माइंड में दौड़ना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं दौड़ना है। बहुत सारे लड़के, मैं आज एक लड़का को देखा, बोलने वाला था लेकिन वो लड़का थोड़ा ये टाइप का था, मैं उसको कुछ बोला ही नहीं, ऐसे दौड़ता है, ऐसे उसका शरीर ऐसे ऐसे घूमता है जैसे नाचता है ना। मेरे को मतलब देखो, एक चीज़ किसी को मतलब एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका मर्जी वो कैसे दौड़े ये नहीं है, लेकिन जब इंजरी हो जाएगा तो बहुत गलत होता है ना। क्योंकि इंजरी होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, दौड़ नहीं पाओगे, चीज़ का साइड इफ़ेक्ट भी है, कोई चीज़ का अच्छा भी है। इसीलिए जो भी करते हो अच्छी तरीके से करो और एनर्जी के साथ करो। अगर आपको रनिंग करना है तो करो, ऐसे नहीं है कि आओ मन नहीं कर रहा है दौड़ना नहीं, ऐसा नहीं करो, करना है तो अच्छी से करो, नहीं करना है तो मत आओ। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। और ज़्यादा करके ग्राउंड में रनिंग करना शुरू करो, रोड में क्या होता है, रोड में ज़्यादा करने से हमारा पैर भी दुखेगा, रोड में अच्छा नहीं लगता है आपको, रोड में ज़्यादा टाइमिंग कम आ जाएगा, लेकिन ग्राउंड में जो राउंड मारते हैं ना उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सबको। इसलिए आपको ग्राउंड में, जिधर भी आपको ग्राउंड मिलता है, कितना भी मिलता है मिट्टी का ग्राउंड, तो उधर प्रैक्टिस करो, तो आपका टाइमिंग भी कम रहेगा और आपको सिम पेन भी ज़्यादा कम होगा, आपको दौड़ने में मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बस यही थी दोस्तों। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी मतलब पूछना है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसका आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो मेरी आईडी है ट्राई कमल, इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं उसको उधर भी आपको सवाल का जवाब दूंगा। बस इतना ही आज के लिए, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।